रेस्टोरेंट बना हुआ है रतलाम में, अपने को देखने को मिलेगा। अच्छा है, चलिए ट्राई करते हैं अंदर से। और सामने ही प्लेटफॉर्म है, एंट्रेंस सही से मिल जाएगा भैया। स्वागत है दोस्तों आपका एक और न्यू वीडियो में। सो आज हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है फिर से इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। आज हम ट्रेवल करने वाले हैं इस 111-26 ग्वालियर भिंड रतलाम इंटरसिटी एक्सप्रेस में। कि इसकी जर्नी जो है मैंने पहले भी बना रखी है चैनल पे, आपको देखना हो तो मैंने आई बटन में जो है मेंशन कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी चलिए आज जो जर्नी स्टार्ट करेंगे हम इंदौर से रतलाम की कवर करेंगे। रतलाम एक हम स्पेशल जगह को कवर करने जा रहे हैं। एक रेल कोच रेस्टोरेंट है रतलाम में, रिसेंटली अभी ओपन हुआ है तो उसको कवर करने जाते हैं। फिलहाल जो है ट्रेन का जो टाइमिंग है 7:30 पे इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलती है। एक्चुअली में ये ट्रेन का रिवर्सल होता है यहाँ से, इसलिए जो है ट्रेन यहाँ पर 30 मिनट्स का हॉल्ट है, 7 का अराइवल टाइम है। ये ग्वालियर से लेके इंदौर तक की जो जर्नी है मैंने ऑलरेडी डाल रही है, वो आप देख लीजिएगा, वो थर्ड एसी में है। और ये वाली जर्नी जो है हम स्लीपर में करेंगे। बाकी चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जो ट्रेन अराइवल भी होती है, डिपार्चर भी यहीं से होती है शाम को, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी रतलाम से वाया फतेहाबाद चंद्रावती गंज वाला रूट लेती है, तो मैं पहले आपको ये रूट भी दिखाऊंगा, उसके बाद जो है रेल कोच रेस्टोरेंट पे हमारा लंच भी होगा आज, तो उसका भी जो है हम रिव्यू करेंगे कैसा है। एक शॉर्ट सी जर्नी है, शॉर्ट सा वीडियो है, आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी चलिए ये जो है S4 लगा हुआ है यहाँ पर हमारा, और S5 इधर लगा हुआ है। मेरा टिकट इसमें है, सोच रहा हूँ मैं इसमें बैठ जाऊँ। चलिए जब डिपार्चर होता है फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ये स्लीपर कोच की कंडीशन है कुछ ऐसी है, ट्रेन पूरी ऑलमोस्ट इंदौर में खाली हो जाती है। रतलाम में कुछ ही पैसेंजर इस ट्रेन से जाते हैं, मैक्सिमम जो सारा क्राउड रहता है वो इंदौर तक का ही रहता है। इसका मैं आपको वॉशरूम वगैरह की हालत, तो ये इसका जो है वॉशरूम वगैरह है, ये देख लीजिए, गुटका गैंग ने अपना काम जो है कंप्लीट करके गए हैं। पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आती है ये सब करने में। बाकी इस साइड देख लीजिए पिट यार्ड है इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का बना हुआ। पावर हमारा जो है अटैच हो गया है, सामने पावर तो लग गया है ट्रेन में, पावर लग गया है तो डिपार्चर के लिए रेडी है। जैसे सिग्नल होता है वैसे ही हम डिपार्चर लेंगे इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलिए इसी के साथ जो है 7:35 पे डिपार्चर ले लिया है हमारी ट्रेन ने, प्लेटफॉर्म नंबर 6 है इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के। अभी फ़िलहाल जो है हम लोग देवास वाली लाइन से अलग हो रहे हैं और ये हम फतेहाबाद चंद्रावती गंज वाली लाइन पे डाइवर्ट हो गए हैं, इसलिए जंक्शन बोलते हैं इंदौर को, क्योंकि यहाँ से रतलाम वाली लाइन अलग हो जाती है और देवास वाली ना लाइन और उज्जैन वाली लाइन हमसे अलग हो जाती है। यहाँ पर स्लाइटली 15 के डिले के साथ हम लोग जो है फतेहाबाद चंद्रावतीगंज रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। 8:17 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है फिलहाल, और फिलहाल इसको जंक्शन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो है एक उज्जैन वाली लाइन चली जाती है। मीटर गेज एरा के टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था ये, मीनाक्षी एक्सप्रेस जैसी इंपॉर्टेंट ट्रेन जो है यहाँ से क्रॉसिंग हुआ करती थी, इसलिए फतेहाबाद चंद्रावतीगंज जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी चलिए वहाँ पर जो है आपकी रतलाम से डेमू आती है वो भी क्रॉसिंग हो रही है फिलहाल,
और यहाँ पर जो है हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद जो है बड़नगर, बड़नगर के बाद जो है हम डायरेक्टली रतलाम पहुँच जाएंगे। काफ़ी सारी यहाँ से जो है मीटर गेज की जो ट्रेनें पहले बाईपास हुआ करती थी, अब तो खैर ये जो है पूरा ब्रॉड गेज सेक्शन है। बाकी चलिए, ये जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 उस तरफ बना हुआ है। सामने जो है आपका ये है, आपकी डेमो क्रॉस हो रही है यहाँ पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। समय से 10 मिनट बिफोर हम लोग आ गए हैं रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है, बाकी शेड उधर बना हुआ है तो पहले शेड पे चलते हैं, फिर इस तरफ जो है रेल कोच रेस्टोरेंट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये है रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। उधर 2 नंबर पर डेमो आई हुई है जो इंदौर की तरफ जा रही है रतलाम से, और हम लोग जो चलते हैं 3 और 4 की तरफ चलते हैं। फिलहाल लगी हुई है आपकी डेमो, 2 नंबर प्लेटफॉर्म इस तरफ है और बाकी के रेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म देखिए उस तरफ बना है, इतना डिस्टेंस है। अभी हम इतने डिस्टेंस को जो है क्रॉस करते हुए उस तरफ चलते हैं। ऐसा बना हुआ है आपका रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। ट्रेन अच्छी थी, स्लीपर कोच ठीक है इसके, स्लीपर ठंडियों में तो आप इसमें कर सकते हो ट्रैवल, बाकी अभी फिलहाल गर्मी हो रही है तो ट्रैवल करने लायक नहीं है इतना। और फिलहाल तो अभी MP में भी काफ़ी गर्म होने लगा है। और ये सामने जो है, बाकी किसी को इंदौर से जैसे डायरेक्टली ट्रेन नहीं मिल रही है मुंबई के तरफ के लिए या दिल्ली के तरफ ले, तो वो रतलाम से डायरेक्टली रिजर्वेशन करवा सकता है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आपको इंदौर से रतलाम आना है बस से आ जाइए, या फिर कोई कनेक्टिंग ट्रेन या लोकल डेमो, ये सारी ट्रेन्स मिल जाएगी। इसके अलावा फिर आप रतलाम आ गए, रतलाम से आपको ईजिली हो जाएगा दिल्ली या मुंबई तरफ आप, या साउथ तरफ भी बढ़ सकते हैं यहाँ से ट्रेन करके, ईजिली हो जाएगा क्योंकि इंदौर में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है ट्रेन्स की, मैं समझ सकता हूँ। तो बाकी रतलाम में तो मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स जो है अराइवल और डिपार्चर होती है ना, तो इसलिए आप रतलाम से भी करवा सकते हैं रेलवे। बाकी ये रहा हमारा जो है रतलाम मेन रेलवे स्टेशन जो दिल्ली मुंबई मेन लाइन पर बना हुआ है, और रेल कोच रेस्टोरेंट उस तरफ बना हुआ है। तो फिलहाल देखते हैं रेल कोच रेस्टोरेंट में भी चलते हैं। काफ़ी बड़ा बना हुआ है रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट बना हुआ है रतलाम में अपने को देखने को मिलेगा, अच्छा है। चलिए ट्राई करते हैं अंदर से, और सामने ही प्लेटफॉर्म है, एंट्रेंस सही से मिल जाएगा। ये का टाइम है तो ऑपरेटिव नहीं है। बाकी ये है हमारा रतलाम रेल कोच रेस्टोरेंट का फर्स्ट व्यू, सिटिंग अरेंजमेंट, और यहीं से जो है आपको प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी दिख जाएंगे सामने ही। 24/7 ऑपरेट होता है रेलवे स्टेशन। चलिए मेन्यू में से देख लेते हैं क्या ऑर्डर करना है। ब्रेकफास्ट में आलू पराठा ट्राई करते हैं, और ऑनियन
कमेंट्स में, इन लोगों को ब्रेकफास्ट देखना है वो पॉज करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बेवरेजेस में लाइम सोडा कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक इंडियन कुजीन। बटर मिल्क लस्सी स्वीट लस्सी बूंदी रायता। चलिए हम कुछ ऑर्डर, हमने जो ऑर्डर किया है एक स्वीट लस्सी ऑर्डर कर ली है, और अभी तो फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है 10 ही बज रहे हैं, तो ये प्रॉपर लंच का टाइम तो नहीं है, तो ब्रेकफास्ट ही ट्राई करेंगे, आलू पराठा देखते कैसा टेस्ट है इसका। और पानी की बोतल जो है आपको पे में मिलेगी। बाकी ये है रेल कोच रेस्टोरेंट, इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2 महीने हुए ओपन हुए हैं, यहाँ तक मैंने सर्च किया था 3 मंथ्स हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको रेस्टोरेंट्स को। बाकी अच्छा इनिशिएटिव है, रेलवे स्टेशन पे एकदम आपको रेलवे मिलेगा, अगर आप इंदौर से आ रहे हैं इंटरचेंज आपकी ट्रेन है तो आप लंच वगैरह या डिनर के लिए पॉइंट बना सकते हैं खाना वगैरह। देखते हैं अभी टेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ रिव्यू कि कैसा है इसका खाना थोड़ी ही देर में। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, तरफ से जो है आपको तरफ से बंद है, बाकी रतलाम जंक्शन इधर से देखने को मिल जाता है आपको। जस्ट प्लेटफॉर्म ख़त्म हो रहा है उसके बाजू में ही बना हुआ है रेस्टोरेंट, और ये है कुछ यहाँ वॉशरूम की सुविधा मिल जाएगी आपको, कुछ इंटीरियर बने हुए हैं। रतलाम जंक्शन जो है पहले ऐसा दिखा करता था मीटर गेज के टाइम पे। बाकी अभी देखिए यहाँ पर जो है कोई फ्रेट पास हो रही है रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। भाई साहब यहीं पे खाना खाओ और यहीं से जो है ट्रेनों का आनंद लीजिए। जिन लोगों को ट्रेनें पसंद हैं, जिन लोगों को ट्रेन्स में जर्नी पसंद है, उन लोगों को ये रेस्टोरेंट ज़रूर पसंद आएगा। एक और मुंबई के साइड कोई ट्रेन पास हो रही है प्लेटफॉर्म से। ये कौन सी ट्रेन है वो चेक करना पड़ेगा, बाकी जा रही है मुंबई के साइड पे ट्रेन। बाकी हमने ये जो ऑर्डर किया था एक लस्सी और जो है ब्रेकफास्ट में पराठा, क्वांटिटी में आपको पराठे 2 मिलेंगे जिसकी स्लाइस इन्होंने 8 कर दी है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले पराठों को टेस्ट करते हैं, पहले मूमेंट ऑफ ट्रुथ। अभी आपको दही जो है इसके साथ ही मिल जाएगा, हल्का सा नमक ज़्यादा है, और वो दही में आप नमक मत मिलाना तो कॉम्बिनेशन कर सकते हो जाएगा। बाकी लस्सी लस्सी इज़ गुड, अच्छी है लस्सी, हाँ कि लस्सी का टेस्ट अच्छा है, लस्सी का वर्थ इट कर सकते हैं। पराठे भी ठीक हैं, स्टेशन पे आ रहे हैं तो ट्राई करना मत भूलिएगा। बाकी चलिए इसको फिनिश करते हैं, इससे अच्छे नज़ारे कहाँ मिल सकते हैं, यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट हो सामने ट्रेन से और क्या चाहिए, सामने प्लेटफॉर्म है इजी एक्सेसिबल है, अपना जो लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो भी आपको कंप्लीट करना है यहीं से कंप्लीट करो, ट्रेन पकड़ो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचो। भाई साहब जो ये कॉम्बिनेशन है ना रेस्टोरेंट वाला, ये अच्छा रेस्टोरेंट है एक्चुअली में, ये जो है भी है जितने भी रेलवे स्टेशन है ना मेजर, एटलीस्ट जंक्शन पॉइंट्स जो बड़े बड़े हैं वहाँ पे तो ओपन कर देना चाहिए आज की डेट में, ऐसी अच्छी चीज़ है। अभी मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर मैं आपको थोड़े और बाहर के नज़ारे दिखाऊँगा उस रेस्टोरेंट के, फटाफट इसको फिनिश करते हैं हम लोग। ये है आपका बाहर से दिखता रेल कोच रेस्टोरेंट सामने। और रिव्यू की बात की जाए तो खाने पीने के रिव्यू की,
तो देखिए, यहाँ का अगर आप आ रहे हैं तो लस्सी ट्राई करना मत भूलेगा, जो स्वीट लस्सी है वो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट जो पराठे का टेस्ट है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है घर का टेस्ट मिलने वाला है खाने के अंदर। रतलाम से अगर आप निकल रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। इन्होंने मुझे कार्ड भी दिया है, तो कार्ड जो ये है, कार्ड को मैं डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं खाना। 24/7 खुला रहता है रेस्टोरेंट, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो है तीनों चीज़ें आपको मिल जाएगी आराम से, इवनिंग स्नैक्स वगैरह सभी कुछ मिल जाएगा। बाकी ये देख लीजिए, पीछे बना हुआ है हमारा रेल कोच रेस्टोरेंट और सामने जो है हमारा रतलाम रेलवे स्टेशन बना हुआ है। ये है हमारा रेल कोच रेस्टोरेंट बना हुआ सामने, खूबसूरत सा ये एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस है। बाहर बैठने के लिए भी, सिटिंग के लिए एरिया है, वहाँ पे भी आप वगैरह कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं। स्टेशन पे इतनी फैसिलिटी मिल जाए बस बहुत है, काफ़ी फैसिलिटी है। बाकी चलिए, बना है आपका रतलाम जंक्शन का मेन एंट्रेंस, जिसे बोल सकते हो आप प्लेटफॉर्म की तरफ, जो दिल्ली मुंबई की तरफ लाइन जाती है। और ये जस्ट बना हुआ है आपके ऊपर, जो फतेहाबाद चंद्रावती गंज की तरफ लाइन जाती है, एक और दो प्लेटफॉर्म। बाकी यहाँ पर जो है आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मीटर गेज स्टेशन था, तो यहाँ पे 4 से ही जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट होंगे, 4, 5, 6 जो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी बताइएगा आपको एक छोटा सा वीडियो कैसा लगा, और रेल कोच रेस्टोरेंट को मैं स्पेशली कवर करने आया था, साथ ही साथ मैंने सोचा कि ये रूट भी मैं आपको दिखा दूँ। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, और थोड़ा बहुत जो है ट्रेन लवर्स, जो ट्रेन को जो देखना पसंद करते हैं लोग, वो लोग भी ये वीडियो देखेंगे। बाकी गर्मी बहुत है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिए, कीप डिहाइड्रेटेड योर सेल्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय। और ट्रैवल जब भी करिएगा जब आपकी टिकट कन्फर्म हो, अदरवाइज़ ट्रैवल मत करिएगा। बाकी चलिए, लोग बताइएगा आपका छोटा सा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और रेस्टोरेंट का भी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको 5 फ़ोन, उसका भी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी दिस इज़ अनुराग साइनिंग ऑफ फ्रॉम रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए, बाय बाय।